गाइस के साथ सभी लोग वेलकम बैक टू न्यू गेम प्ले वीडियो। सो गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 3। और अगर आपने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे तो ब्रो क्या कर रहे हो तुम यार, जल्दी से जाके देख लो यार। ये देखो आपको यहाँ पे एक आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे आप जाके भी देख सकते हो, या फिर मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के नीचे। सो गाइस अभी बात करते हैं पिछले वाले वीडियो की। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने भाई एक सुपर कार चोरी किया था ऑटो शोरूम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रही वो गाड़ी सुपर कार जो हाल ही में लिबर्टी सिटी में आई है। फिर तो उसके बाद गए थे हम लोग एल मिशन के लिए, जो है लूजीस क्लब मिशन पे। वहाँ पे हमें सबसे पहले काम मिला था कि जो भी लड़के हैं उनको एक पुलिस डिपार्टमेंट का इवेंट था उसमें हमें छोड़ने का था। वो छोड़ने के बाद हम लोग गए थे भाई साहब एल मिशन पे गए थे हम लोग। तो एल मिशन पे हमें और एक मिशन मिला था कि वहाँ पे एक बंदा था जो थिएटर में था, उसकी गाड़ी लेके जाके हमें एक एडबॉल पूल का गैरेज था। वहाँ एडबॉल जहाँ से हम लोग ने गाड़ी का शोरूम चोरा था ना, उसके थोड़ा से ही आगे ऊपर जाओगे तो वहाँ पे एक एडबॉल पूल एक प्लेइंग गेम का ये स्टूडियो है, उसके बाहर ये गैरेज था। वो गैरेज में जाके हमें बॉम्ब को लगाने का था। फिर वही गाड़ी लेके जाके जहाँ पे पार्किंग थी, जहाँ पे वो शो दिख रहा था, वहाँ पे जाके रख के बॉम्ब को एक्टिवेट करने के था कि वो बंदा जैसे ही आ जाए वैसे वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाए। तो हम लोग ने इतना ही सब गए वाले वीडियो में किया था, तो मर गया बेचारा। सो गाइस अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछले वाली वीडियो में बोला था कि हम लोग ये वाली गाड़ी के साथ थोड़ा बहुत सिटी एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन हम लोग ज़रूर करेंगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप मैप पे देख सकते हो यहाँ पे एक जे मिशन है। सबसे पहले हम लोग वो वाला मिशन करने जाएंगे, फिर हम थोड़ा बहुत ये वाली गाड़ी से सिटी एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं यहाँ से जे वाले मिशन के लिए। ओ बच गए, नहीं तो हर बार निकलते हम लोग भाई ठोक देते थे किसको ना किसको। तो लेकिन भाई आज मैं सोच रहा भाई गाड़ी थोड़ी तमीज़ से चलाई जाए यार ये ब्रेक नहीं लगा, मेरे ब्रेक दबा के रखा था, ब्रेक लगा नहीं। एक मिनट, ज़रा आगे का कांच तो गया होगा, नहीं सिर्फ थोड़ा बहुत उसके सामने वाले गाड़ी को लगा है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा तमीज़ में चलाया जाए यार गाड़ी को, वरना $1000 हम लोग को पेन स्प्रे के लिए देने पड़ सकते। तो ऐसा क्यों लग रहा है भाई मैं चाइना टाउन में आ चुका हूँ, सब चाइनीज़ नाम है इधर। बहुत सही, अभी हम जा रहे जे मिशंस कह रहे हैं। अरे आंटी जी देखो यार, अभी मैं तमीज़ से नहीं चला रहा हूँ यार, बहुत हो गया तमीज़ से चला लिया, तमीज़ से चला के भी मैं ठोक रहा हूँ। अभी हट रे हट। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं जे मिशंस के लिए, जोएल्स ऑटो पेंटिंग। तो हम लोग गाड़ी यहीं पे बाहर खड़ी कर ले। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मिशन पे, अपने को एक वाइट और एक टकले बंदे को उगाने का, वो भी कुत्तों की तरह मारेंगे भाई साहब, उसको छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे ये अंदर ही है, तो हम लोग एक काम करते उसकी जहाँ पे गाड़ी है ना वहीं पे जाके रोकते, क्योंकि वो भाग ना कर पाए। आई थिंक सो यही है उसकी गाड़ी, यही से वो भागेगा। तो अपनी गाड़ी भी यहीं पे लगा देते, बहुत सही। अभी अपनी शॉर्ट गन हाथ में ले लेते, फिर चलते पीछे वाले रास्ते से इसको मारेंगे भाई। यहाँ से अंदर हो गए, बहुत सही, हेल्थ भी मिल गया अपने को, ठीक है। हिडन पैकेज भी मिल गया, बहुत से अपने को, सभी 3 हिडन पैकेज हो चुके हैं। एक्चुअली हम लोग गलत आ गए गाइस, यहाँ से नहीं जाने का था अपने को, थोड़ा बहुत मतलब अपना फ़ायदा भी हो एक्चुअली, अपने को हेल्थ भी मिल गया और हिडन पैकेज भी मिल गया अपने को, मतलब बहुत सही चल रहा है। यार तू क्या पिस्टल दिखा रहा है, चल ना सबसे पहले कुत्ते कुत्ते जाएंगे भाई, कूदो कूदो, बहुत सही। हाँ ये देखो ये रहा रास्ता, अभी बार आ गई, अभी पिस्टल हाथ में लेते भाई साहब, अभी ठोकेंगे, अभी छोड़ेंगे नहीं। बैठ ले, क्या निकल निकल भी निकल फटाफट, जो भाग गया वो साइड।
बहुत सही, मैंने अपनी गाड़ी यहीं पे खड़ी कर ली थी। बैठ जा जल्दी, बैठ 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 बैठ। अरे हटो हटो हटो, हटे हट रे, आने दो पुलिस का स्टार, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई साहब आज छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। हाँ भागेगा तू बेटा, रुक रुक, गाड़ी रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक। हाँ गाड़ी रोक, कहाँ भागेगा, गाड़ी रोक। अबे गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ, उतर मत। अरे यार यार ये फायर भी नहीं कर रहा यार, इसको इतनी जोर के टक्कर मारूंगा ना पीछे से। मैं इससे आगे जाता हूँ थोड़ा, रुक 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 रुक। यार ये गाड़ी के अंदर बैठ के फायर नहीं कर रहा ना, जो कि इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। कहाँ भागेगा जी तू? हाँ हाँ, अबे यार इसने मेरे को चकमा दे दिया। अरे यार हटो, भाग रहे वो, भाग रहा है भाग रहा है। रुक बेटा, कहाँ पे भागेगा तू, कहाँ पे भागेगा तू, जा जा के मैं वो पीछे निकलती जैसे कि तैसे निकल 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 गाड़ी से, इधर निकल। भाई साहब अपनी सब कुछ टूट गया है, बहुत सही। अब इसने तो चकमा ही दे दिया यार अपने को लेफ्ट में करके। यार अभी ये गाड़ी भागने के इस पर नहीं बची है, यू टर्न ले लिया। हाँ बेटा मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ, तेरी ऐसी की तैसी। रुक 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 रुक, कहाँ भाग के जाएगा तू, कहाँ भाग के जाएगा तू, मेरे को येड़ा बनाएगा क्या, चले येड़ा बनाएगा तू। ओ बेटा भाग गया तू, रुक रुक मैं आ ही रहा हूँ आ ही रहा हूँ आ ही रहा हूँ। कहाँ तक भाग के जाएगा तू, रुक। भाई साहब आज छोड़ेंगे नहीं इसको कसम से, बहुत छूना लगाया इसने अपने को। उतर क्योंकि देख, भाग चल, बैठ 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 गाड़ी में बैठ गाड़ी में बैठ। अच्छा बेटा चाल थी क्या तेरी, उतरे। अच्छा बेटा चाल थी क्या इसकी, वो मेरे को गाड़ी से उतर के मारेगा। हाँ बेटा भाई साहब दोनों के गाड़ियों में धुआं धुआं आ चुका है। कौन से रास्ते भागेगा तू, रुक, लगा तू साइड में लगा गाड़ी, रुकना भाई, डर रहा क्यों है, गैंगस्टर बोलते हैं ना खुद को यहाँ का, रुकना भाग रहा क्यों है बे, रुक 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 रुक, रुकना 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 रे रुकना। बात सही, रुकना रुकना, कहाँ जाएगा, रुक, उतर के मारूंगा इसको, रुक, रुकना 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 रुकना। अभी किधर भाग गया, मिशन पास्ट, बहुत सही। फाइनली गाइज अपना एक मिशन हो चुका है, शेट बहुत सही हो गया। सो गाइज अपना एक मिशन तो ऑलरेडी हो ही चुका है, तो मैंने बोला कि वाई नॉट, अभी अब थोड़ा बहुत सिटी एक्सप्लोर करेंगे यार, थोड़ा बहुत सिटी एक्सप्लोर कर लेते। बहुत भगाया इसने यार आज, बहुत भगाया, बहुत बहुत मतलब बहुत भगाया उसने। सो अभी बाकी का जे वाला मिशन हम लोग बाद में करने वाले, तो सबसे पहले भी घर पे चलते अपनी नई वाली कार को लेने।
बेचारी वो गाड़ी को हम लोग ने जब से चोरी किया भाई वो गैरेज में ही पड़ी है, बट अभी तक पुलिस को कानों कान खबर नहीं पूछी है यार कि शोरूम में से गाड़ी चोरी हो गई, लेकिन पुलिस वालों को पता नहीं। इसके लिए मैं कल निकाला नहीं ज़्यादा, तो सोचा भाई पुलिस वालों को खबर नहीं तो भाई वाई नॉट हम लोग गाड़ी निकालेंगे बाहर। भाई साहब अपने पिस्टल में सिर्फ 12 एमओ सी बचे, तो अपने को एमओ सेक्शन भी जाना पड़ेगा। भाई साहब बहुत पापा के दिलने पड़े उसको पकड़ने के लिए। सो चलो हम लोग आ चुके हैं अपने घर पे, पिस्टल को रखते हैं अंदर, चलते अपनी नई वाली गाड़ी को लेके सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। हम लोग ज़्यादा बहुत एक्सप्लोर नहीं करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। तो चलो चलते अपनी न्यू वाली कार को लेके। एक मिनट, अपनी वाली पुरानी कार तो गैराज में रख देते हैं यार। ये कार नहीं, ट्रक है एक्चुअली, छोटा लेकिन बहुत सही ट्रक है, मुझे बहुत पसंद आता है। एक्चुअली एक टाइम जो हम लोग देखो याद करो तो पिछले वीडियो में दो बंदे को मारने गए थे, तो बेचारी ये गाड़ी फूट गई थी उसमें यार, बहुत दुख हुआ मुझे। बट कोई नहीं यार, नए नए ट्रक आते रहते, अपन कुछ खरीदते नहीं यार, सब चोरी करते, अपना पारंपरिक काम है वो चोरी करना। तो चलो भाई अभी आप एक न्यू गाड़ी की यार चलते हैं। भाई साहब बहुत याद आती और भैया बहुत तेज़ भागती है यार सच्ची में। भाई साहब स्पीड देखो यार, क्या पकड़ लिया स्पीड गाड़ी, आराम से आराम से, अपने को ज़्यादा कुछ ओ बच गए। फाइनली मैंने ठोक दिया नई गाड़ी को यार, तो कोई बात नहीं यार अपने गैरेज में जाके सही हो जाएगी गाड़ी। लेकिन भाई साहब स्पीड देखो यार दूसरों गाड़ियों के अलावा, ब्रेकिंग भी सही है, कंट्रोलिंग्स भी उसकी बहुत सही मुझे लगी है। देखो ब्रेकिंग वो परफेक्ट ब्रेकिंग लगता है। पुलिस भी चाहे ना तो भी ये गाड़ी को बीट नहीं कर सकती यार सच्ची में, बहुत सही गाड़ी है। सो भी गाइस हम लोग जाएंगे मेट्रो स्टेशन, तो मेट्रो स्टेशन तो यहीं पे, बट हम लोग मेट्रो में अभी नहीं बैठेंगे। हम लोग आ चुके चाइना टाउन गैरेज में, गैरेज नहीं सॉरी चाइना टाउन मार्केट में, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, कोई बात नहीं। चलो वापस हम लोग जे मिशन नहीं करने जा रहे, आप सोच रहे होगे कि भाई मैं जे मिशन करने जा रहा हूँ। ये देखो भाई यहाँ पे एक्चुअली था, जब याद करो आपको पिछले वीडियो में हम लोग यहीं पे आए थे लड़कियों को लेके पुलिस डिपार्टमेंट पे, आपको याद होगा तो, अगर आपने मेरी पिछले वाली वीडियो देखी होगी तो। ठीक है फिलहाल तो हम लोग ऐसे ही ढूंढ रहे हैं क्या है, पोर्टलैंड इंडस्ट्रियल एस्टेट। सो गाइज अगर आपको पता होगा कि GTA 3 में एयरपोर्ट कहाँ पे, तो प्लीज़ मुझे बता दो कमेंट्स में, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि एयरपोर्ट किधर है। इधर मेरे को एयरपोर्ट मिल चुका है, पुलिस स्टेशन मिल चुका है, मेट्रो स्टेशन मिल चुका है, CRB मुझे ढूंढ लिया था, लेकिन मुझे अभी तक एयरपोर्ट सिटी नहीं मिला है, एयरपोर्ट नहीं मिला है। तो मुझे बता दो कि एयरपोर्ट कहाँ पे GTA 3 में कौन किधर है। गाड़ी की स्पीड भी बहुत सही है। हाँ वहाँ पे डॉग एंड फूड का कौन सा तो था, तो चलो वहाँ पे ही चलते। यार गाड़ी में से धुआं निकलने लग गया यार। अच्छा जब ब्रेकिंग देते तो, अभी देखो मैं स्पीड में लूँगा गाड़ी को, देखो धुआं रुक गया। ओके ये रहा वो डॉग्स एंड नहीं सॉरी गलत जगह पे आ गए, तो CR है, शिपयार्ड सॉरी यार। तो चलो चलते जोएल्स के इधर, वहाँ पे यहाँ से ओ शिट रास्ता नहीं भाई, एक को कुचल दिया मैंने गलती से। अपने पास अभी टोटल $40,000 है अपने को, यहाँ पे जोएल्स है और ये रहा वो डॉग फूड का। तो चलते अंदर, ये सेंसर डोर है मतलब ये खुला ओपन ही रहेगा। ये जगह है कौन सी यार, यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं। बस यार गाड़ी को कोई चोरी ना कर ले, यहाँ पे अंदर जा सकते हैं। नहीं यार यहाँ पे नहीं जा सकते, मतलब यहाँ पे आने का फ़ायदा ही क्या हो गया। ओ सही फ़ायदा हो गया अपने पास, अभी हिडन पैकेज, 4 हिडन पैकेज हो चुके हैं आउट ऑफ 100, अपने को अभी तक 96 और ढूंढने के, आप तो ढूंढ लेंगे यार उसमें क्या हो गया। तो यहाँ से निकलते बाहर, ये रही अपनी सुपर कार। चलो बहुत सही खुल जा, ये सेंसर डोर खुल चुके हैं बहुत अच्छे से। क्या भाग लिए यार गाड़ी, बट उसकी हालत मैंने ख़राब कर दी। कोई बात नहीं, बोलिए अपने गैराज में डालने के तो अपने आप ठीक हो जाएगी, उसमें कुछ टेंशन नहीं है।
हम लोग इतना ही रूट घूम सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को बहुत आगे के मिशंस भी और करने के। तो आपने देखा ही होगा कि ब्रिज जो है वो बंद था। तो ये देखो अपने पास जो अभी राइट साइड का छोटा वाला पार्ट, हम लोग वहीं तक घूम सकते हैं, क्योंकि हमें वहाँ के मिशंस कंप्लीट करने के बाद जो मिडल वाला जो रूट दिख रहा है वहाँ पर हमें जाने को मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल हम लोग यहीं पर रुक देते हैं, तो अभी चलते वापस घर पे, बहुत घूम ले यार। वो भाई साहब, मैंने गलती से भाई एक आदमी को उड़ा दिया, मेरे को लगा एक स्टार बैठेगा लेकिन नहीं बैठा। चलो कोई बात नहीं। सो अभी हम लोग पहुँचने वाले अपने घर पे, प्यारा सा छोटा सा घर है, वो भी एकदम सीक्रेट है। आप देख ही सकते हो कितने सीक्रेट अंदर एक गली में अपना घर है। पुलिस वालों को क्या ही पता चलेगा यार अपना घर आ ही चुका है फाइनली। यहाँ से लेफ्ट लेने के बाद अपना घर आता है। ओ यार फिर से ठोक दिया, कोई बात नहीं। देखो ये रहा अपना प्यारा सा घर। तो हम लोग एक काम करते, इसको यहीं पे ऐसा खड़ा कर लेते। आप देख सकते हो गाड़ी की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है, कोई बात नहीं। गैरेज में जाने के बाद ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी गाड़ी। तो हम लोग एक काम करते, अपना ट्रक यहीं पे रख देते, चलते ये वाली गाड़ी को अंदर रखने। भाई गाड़ी के दरवाजे तक को स्क्रैचेस आ चुके यार, कोई बात नहीं। अभी गैरेज में जाने के बाद अपने आप ठीक हो जाएगी गाड़ी, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके लिए मैं ज़्यादा गाड़ी निकालते नहीं है, बहुत स्पीड है इसमें। एक हेडलाइट भी बंद हो चुकी है। अब ये गई गैराज के अंदर और ये वापस से हो गई तैयार। देखो जादू। सो गाइस आज के ये वाले वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी जाके फॉलो कर लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो गाइस मिलते हैं अगली वाली वीडियो पे। गुड बाय।